स्मोक है, 4 नंबर स्मोक है ऊपर यहाँ पे। नहीं है ब्रो, डोंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सस्ते मोटर का गेम प्ले। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई गेम प्ले दिखाओ, तो हम हैं बहुत प्रो एंड आज की इस वीडियो में आपको अपनी प्रोपंती दिखाने वाला हूँ कि मैं मैक्सिमम कितने क्लिक कर सकता हूँ। एंड आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आप कितने क्लिक कर सकते हो मैक्सिमम। तो वैसे मेरा मैक्सिमम रिकॉर्ड है भाई 24 क्लिक करने का, बट वो पबजी मोबाइल की आईडी चली गई। ये है हमारा BGMI एंड इसके अंदर भी हम किल रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो मैक्सिमम जिस दिन हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। एंड वो मैक्सिमम किल मैंने किया था क्राउन टायर के ऊपर 24 किल किया था। तो फिलहाल के लिए अभी हमें एस टायर के ऊपर तो 1 स्टार पे है एंड यहाँ पे आप एस रोडी का गेम प्ले देख रहे हो। यहाँ पे हम सबसे पहले लैंड करते हैं सेवरनी, जहाँ पे उतरती है लगभग 4 स्कोर एंड यहाँ पे हम अपना ले लेते हैं वेब शूटर। तो वेब शूटर हमारे पास आ जाता है, बाकी सारे रिवार्ड्स हमारे टीममेट के पास चला जाता है। एंड यहाँ पे सामने एक बंदा था तो हमको खुजली हो रही थी, हमारे पास था पिस्तौल एंड उसके पास भी शायद शॉटगन था, तो हमको पता चल गया था भाई बंदा उतनी दूर से हमको मार नहीं सकता शॉटगन से। तो हम यहाँ पे अपना प्रोपंती दिखा रहे थे एंड यहाँ पे हम पिस्तौल से उसको मार रहे थे, लेकिन तभी पता चलता है भाई हमारे टीममेट के ऊपर कुछ बंदे चढ़ गए हैं। अब आप समझ जाओ कैसे चढ़े हैं। तो वो लोग चढ़ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ जाऊँ पहले उनको बचाऊँ कि पहले मैं लूट कर लूँ। यहाँ पे मैं लूट ही कर रहा था तब तक मुझे फिर से पीछे से फायर आता है, बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं पता भाई घर के अंदर है, घर के अंदर किसी को घुसना गैरकानूनी होता है, तो चलो उसको इग्नोर कर देते उस बंदे को। तो यहाँ पे भाई फिर से बंदा चिल्लाता है, मेरा जो टीममेट है भाई चिल्लाता है भाई बचा ले बचा ले। तो डिसीजन लेते हैं भाई अब हमको जाना है अपने टीममेट के पास एंड उनकी जीवन की रक्षा करनी है। तो हम चले जाते हैं उनके जीवन की रक्षा करने के लिए, आते सीधे छत पे एंड पता चलता है भाई यहाँ पे जो हमारा टीममेट है भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरा नोक पड़ा हुआ है, मतलब घुटनों के बल पे वो बैठ गया है। तो हम इसको खड़ा करते हैं, इसको पीछे से इंजेक्शन लगाते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो 7 सेकंड लगने वाला है। तो हम अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देते हैं एंड पूछते भैया आपको मारा कहाँ से, तो बोलते भाई हमको पता नहीं चला। अब ये लोग पता नहीं गेम खेलते क्यों है, इनको पड़ी भी एंड इनको पता भी नहीं चला भाई इनको मारा कहाँ से गया। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं एंड हमारे पास था सस्ता वाला AWM एंड यहाँ पे देखो सामने एक बोट आ रहा था, हमने सोचा एक किल मिल जाएगा फ्री का। एंड देखो हमने मारा भी भाई एक AWM मारा, लेकिन बंदा पता नहीं मरा क्यों नहीं भाई। अब ये चीज नहीं समझ में आई, बोट के पास ना तो Level 1 का हेलमेट था ना तो Level 2 का हेलमेट था, मतलब भाई ना तो उसके पास आर्मर थी, फिर भी वो बोट मरा नहीं, वो भी एक AWM से। यहाँ पे ये फिर से ग्लेशियर वाला बंदा आ जाता है जो यहाँ पे अपना सस्ता RPG आउटफिट है। तो इसको मैं फिर से ट्राई करता हूँ पिस्तौल से मारने का, किसलिए भाई अपने इतने प्रो है कि भाई पिस्तौल से पूरी स्क्वाड को क्लच कर सकते हैं। यहाँ पे बंदा ऊपर बैठ जाता है तो मेरा टीममेट बोलता है भाई ऊपर बंदा बैठा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको अपनी मौत का तमाशा नहीं दिखाने वाला, ये बंदा पूरी स्क्वाड हमारी खा जाता है, यहाँ पे हमारी पेटी बन जाती है। रिकॉल करने जाते हैं वहाँ पे भी हमारी पेटी बन जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे गेम के अंदर, दूसरे अध्याय में एंड यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ हम कैसे इस गेम के अंदर क्लच करने वाले। तो बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे हमारा प्लेन उड़ जाता है एंड हमको बोला जाता है भाई आप प्लेन के अंदर हो एंड आप एक नकली गेम के अंदर हो। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है नकली गेम के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे घुसेंगे वैसे ही मारेंगे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे निर्णय लेते हैं भाई हमको जाना है अपने जॉर्जो पुल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे जाने के बाद आप लोग की पेटी तुरंत बन जाती है। एंड यहाँ पे इन्होंने तो लूट गायब भी कर दी है, आपको बंदूक तो मिलेगा नहीं, आप चलाओगे क्या, बस आप एमओ फेंक फेंक के एनिमीज को मार रहा वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम निर्णय ले लेते हैं भाई हमको उतरना तो जॉर्जो पुल ही है, किसलिए हमको गेम प्ले भी बनाना है, इसलिए नहीं तो हम चले जाते कहीं पे झारकी वारकी। तो गेम प्ले बनाने के चक्कर में यहाँ पे आना पड़ा एंड उतरते हम ऊपर, लेकिन साला पता नहीं हमको नीचे क्यों फेंक दिया जाता है। तो हम उतरते मतलब बड़ी जल्दी से हम ऊपर चढ़ते गन लेने के लिए एंड यहाँ पे देखो एक बंदा था सामने जो कि मेरे टीममेट को एकदम इजी नॉक कर देता है, मतलब भाई हमारे टीममेट को यहाँ पे ये बंदा नॉक कर देता है। एंड हमारा टीममेट बोलता है भाई यार हम ऊपर लूट रहे थे और हमको बंदे ने पेल दिया, अब भाई अब ऊपर लूटोगे तो बंदा नहीं पेलेगा तो और कौन पेलेगा भाई, अब सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इसीलिए अच्छा हुआ कि हम नीचे कूद गए थे, हमारा मतलब बच गया, हमारा जान बच गया एंड ये भाई हमको बचा लेते हैं। एंड 4 नंबर देखो भाई इतना बढ़िया टीममेट भाई मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, सही बता रहा हूँ आपको, मैं Season 3 से गेम खेल रहा हूँ बट अभी तक मैंने ऐसा टीममेट नहीं देखा भाई। यहाँ पे मैं रिवाइव दे रहा हूँ, टीममेट आके अपने टीममेट को यहाँ पे फर्स्ट एड दे दिया, जो भी मतलब बैंडेज दे दिया, मेरे हिसाब से वो फर्स्ट एड ही होता है भाई, बहुत काम की चीज़ है कॉन्करर लोबी में एंड आपको पता है भाई मैं कॉन्करर लोबी ही खेल रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमको एक बोर्ड दिखता है तो हम बोर्ड को दौड़ाते हैं मारने के लिए, लेकिन सारा बोर्ड बहुत चलाक निकलता है, वो जाके बैठ जाता है कवर के अंदर, तो हम दौड़ा लेते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको डाउट हो रहा था भाई यहाँ पे मतलब बंदे आए क्यों नहीं, जॉर्जो में बहुत ही कम बंदे यहाँ पे उतरे थे, लेकिन जितने भी बंदे थे 30-40 बंदे सारे के सारे सिटी में उतरे थे, पीछे वाली सिटी में। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी पेटी लूट लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लोकेशन भी मार्क कर देता हूँ ताकि मेरा टीममेट आए एंड यहाँ पे अपना गन लेकर चले जाए, ताकि वो भी हमारे साथ अपनी पेटी बनवा सके। जैसे कि मुझे पता है मेरे टीममेट जो भी है मेरे रिकॉल पे चलते, मतलब मेरे कॉल पे चलते, मैं उनको कॉल दे दूँ भाई यहाँ पे आ जाओ तो सब चले आएंगे साथ में, ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमारी टीम वर्क होती है एंड भाई सब के सब साथ में पेटी बनवा लेते हैं, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, एक एक करके मतलब आपको मैच देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे Level 3 का बैग था, मैं बैग उठाने गया एंड
यहाँ पे सामने मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है तो मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ। एंड ये देखो भाई मैंने मारा भी, लगभग इसको 3-4 बुलेट पड़ी थी हमारे पीपी भाईजान की, पता नहीं कौन सी बंदूक ऐड दे दिया इन्होंने गेम के अंदर, बहुत भंगार चीज़ है ये भी। तो हम डिसीजन लेते हैं भाई अब इसको हम ऊपर से चढ़ के मारेंगे, तो यहाँ पे तब तक हमको एक नोक बंदा दिख जाता है जो कि पीछे से इसको किसी ने नोक किया होता है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे खत्म करने के बाद अभी यहाँ पे देखो ये अंदर से बंदा बैठा था, ये शायद मुझसे भी ज़्यादा प्रो प्लेयर था, किसलिए भाई इसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ऊपर चढ़ा और ये थोड़ा पीछे जाता तो मुझे एकदम ईजी पीछे से मार सकता था। लेकिन ये बहुत ट्राई किया एंड मैंने भी ट्राई किया इसको स्पॉट करने का, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ लिया जाए, इसके रो हाउस के ऊपर, तो मैंने इसके रो हाउस के ऊपर यहाँ पे जंप मार दिया अपना वेव शूटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पे रो हाउस के ऊपर जाने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिला, तो हम सीधा रो हाउस के नीचे आ गए एंड हम अब घुसने वाले हैं एनमी के मुंह पे। एंड हमको तो पता था भाई एनमी यहीं पे बैठा होगा कहीं पे, तो हम बस यहाँ पे रुक गए एंड हम अपने टीममेट को आगे जाने दिए ताकि वो डैमेज वेमेज दे। लेकिन हमारे टीममेट ने एक भी गोली नहीं मारी थी, हमने सिर्फ बैरल की 2 गोली मारी एंड बंदा यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसलिए भाई हमने इसको पहले से ही बाईजान से डैमेज दिया था। सो यहाँ पे ये बंदा तुरंत ही खत्म हो जाता है, तो अच्छी बात है यहाँ पे हम इसकी पेटी बड़े प्यार से लूट लेते हैं। एंड हम पता करते हैं भाई हमारे जोरजो पुल में अभी भी कोई खाली है, इसलिए हम तो हैं यहाँ के किंग एंड हम ही सब कुछ खाली करने वाले थे। देखते हैं यहाँ पे कोई है कि नहीं है, यहाँ पे मैं बड़े प्यार से लूट रहा था तब तक आगे से थोड़ा बहुत फायर आ जाता है, मुझे साउंड दे जाता है, तुमको पता चलता है भाई सिटी के अंदर बंदे हैं। तो यहाँ पे हम जाने की तैयारी करते हैं सिटी के अंदर, तब तक पता चलता है भाई ये 2 नंबर हैकर की तरह उड़ रहा है, तो हम भी उड़ने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो तो हमें भी यहाँ पे ऊपर वेब शूटर यूज करता हूँ, कुछ हैकर की तरह उड़ने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे भाई मैं नीचे गिर जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरी एचपी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो हम अपने टीममेट से बोलते हैं भाई हमको हेल्थ दो, तुम्हारी वजह से हम गिर गए। तो भाई टीममेट बोलता है कि हम हेल्थ नहीं देने वाले, हमने तो तुमको नहीं बोला था कूदने के लिए, अब क्या करें भाई, हमने बोल दिया चलो भाई ठीक है तुम मरो, हम तुमको रिकॉल कर देंगे, अच्छे से रिकॉल करेंगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी था हमारा रामायण खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपनी सिटी के अंदर, सिटी के अंदर यहाँ पे चेक करने आते हैं अपने टीममेट को, यहाँ पे रिकॉल करने आते हैं। यहाँ पे सिटी में लगभग 30 बंदे उतरे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता नहीं उनको जमीन खा गए कि आसमान निकल गया, पता नहीं क्या सीन हुआ, यहाँ पे एक भी बंदा नहीं दिखाई दिया हमको। तो टीममेट को हमने रिकॉल कर दिया, यहाँ पे फिर से वही बकचोदी चलनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे बंदे जो थे हमारे टीममेट्स वो हैकर की तरह फिर से उड़ने लग गए, तो मैंने बोला फिर भी हम भी यहाँ पे उड़ लेते, हम भी यहाँ पे हैकर की तरह उड़ना स्टार्ट कर दिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। एंड अगर आपको नहीं पता कि उड़ते कैसे हैं अपने गेम के अंदर हैकर की तरह, तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, पूरा हैकर की तरह आप गेम के अंदर उड़ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग पूरी लूट करने के बाद यहाँ से निकल चलते हैं एंड यहाँ पे हमको रस्ते में एक कैंपर देखने को मिल जाता है। अभी सिसुरा पता नहीं यहाँ पे क्यों कैंप कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया, इसको लगा कि भाई हम पूरी स्क्वाड खा जाएंगे, लेकिन इसको नहीं पता भाई हमारे स्क्वाड में सारे के सारे यहाँ पे प्रो प्लेयर बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक प्रो प्लेयर भाई गाड़ी में भी बैठा हुआ था, जिसको यहाँ पे कार 98 से बड़ी प्यार से उतार दिया जाता है। एंड यहाँ पे मैंने इसको स्मोक डाला रिवाइव देने के लिए, एंड मैं यहाँ पे बड़ी प्यार से इसको ले जाता हूँ कोपचे में यहाँ पे रिवाइव देने के लिए। यहाँ पे कोपचा हमारा कैंप था नहीं, यहाँ पे मैं इसको गाड़ी के कोपचे में ले जाके यहाँ पे प्यार से रिवाइव दे देता हूँ। एंड ये बंदा प्यार से मेरा ले भी लेता है, मतलब रिवाइव ले लेता है, मैं दे देता हूँ उसको एंड ये प्यार से रिवाइव ले लेता है। एंड यहाँ पे फिर सामने वाला जो बंदा था कार 98 वाला, उसको मेरे टीममेट बड़ी प्यार से फिनिश कर देते, मतलब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर भाई साहब एक ही स्प्रे के अंदर उस बंदे को यहाँ पे खत्म कर देते। यहाँ पे ये स्क्वाड तो या फिर बोल सकते हो जो भी था ये 2 बंदे, यहाँ पे हमने इनकी पेटी बना दी, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे फिर से हमारे पास यहाँ पे पीछे से बंदे आ जाते। अब हमको नहीं पता भाई ये पीछे से बंदे कैसे आ गए, किस लिए मैंने आप लोग को बताया था भाई 30 बंदे तो उतरे थे जोरजोर सिटी में, लेकिन हम चेक करने गए थे तो वहाँ पे उनको पता नहीं जमीन खा गया था, आसमान निकल गई थी, लेकिन पता नहीं फिर से कैसे पैदा हो गए। यहाँ पे देख सकते हो भाई 2-2, 3-3 गाड़ी गई थी, एंड यहाँ से 3-3 तो मैक्लेरन निकल के गई थी, पता नहीं सारे बंदे भाग के बची थी। यहाँ पे 2 स्कोर, तो हम उसी 2 स्कोर से फाइट ले रहे थे। एंड यहाँ पे मैंने एक स्कारल से इस बंदे को हेड मारा था, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं खुद को प्रो समझने लगा, एंड मैं सोचा पूरा पानी क्रॉस करके क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे मैंने नेट डाला, मुझे लगा कि यहाँ पे 1 या 2 बंदे होंगे, एंड मैं क्लोजिंग कर रहा था, मुझे डर था नेट मेरे ऊपर ही ना फूट जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा होल्ड रखा है, यहाँ पे इस बंदे को थोड़ा फायर दिया, एंड यहाँ पे जब मैं पास में गया तो भाई हमको पता चला कि यहाँ पे पूरे 4 बंदे हैं, तो मैं यहाँ पे कवर फायर दिया, थोड़ा प्रोपंथी दिखाया, नहीं तो भाई बंदे को लगेगा कि मैं नूब हूँ, एंड वैसे भी मैं नूब था। अब यहाँ पे हमारी फट गई साले, हम हमारे चूतिया नहीं है जो हम 4 बंदों से फाइट लेंगे। तो यहाँ पे मैं तुरंत भाग गया भाई, हमको मरना वरना नहीं है, इसलिए हमको भरोसा है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे टीममेट मुझे यहाँ पे रिवाइव नहीं करने वाले, रिकॉल नहीं करने वाले। इस भरोसे के चलते हुए मैं यहाँ से भाग आया, एंड यहाँ पे मैं फिर से उसी जगह पे आ गया जहाँ से मैं पहले निकला था। अब इन बंदों को थोड़ी खुजली हुई, ये गाड़ी लेके निकल रहे, पता नहीं कौन से सेंस से ये लोग गाड़ी लेके निकले थे कि भाई सामने बंदा बैठा हुआ है फिर भी इनको गाड़ी लेकर जाना ही जाना है। एंड यहाँ पे भाई इनको देखो मैंने उतार दिया, 2 बंदे उतार दिया, एंड इसके एक बंदे ने मुझे भी उतार दिया। अब पता नहीं भाई इसका जो ड्राइवर था पैसेंजर था गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे थे, अब दूसरा बंदा कब कहाँ से फ्लैंक मार गया मुझे नहीं समझ में आया। गाड़ी में 2 बंदे बैठे थे वो तो मुझे पता था, 2 को तो मैंने उतार ही दिया था, बाकी 2 बंदे भाई एक तो इधर आ गए, एक तो मैं मार ही रहा था, मतलब भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या। एंड यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती है, अब यहाँ पे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ
पे बाजू में गंगा नदी भी है, मेरे टीममेट जो है वो मेरा क्रियाकर्म कर देंगे, मेरी अस्थियों को यहाँ पे भाव कर देंगे गंगा नदी के अंदर। अब आप भी अपना क्रियाकर्म कर देना, लाइक वाला बटन उसको लाइक कर देना, एंड वहाँ पे एक तीर का बटन होगा उसको दबा के अपने दोस्तों के साथ भेज देना, शेयर कर देना, एंड बाकी सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, आपकी मर्जी, जो करना चाहो वो करो। तो बस वीडियो में यही था, हमारी पेटी बन गई, तो मैं आपको दोबारा अपनी मौत का तमाशा नहीं दिखाना चाहता, तो चलो बाय करते हैं, यहीं पर खत्म।